ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋੜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਅਵਗਤ ਕਰਾਨਾ ਥਾ कि ये किस तरह की मुहिम है और किस तरह से हम लोग इसको पंजाब में घर घर जाके चला रहे हैं। तो इसके लिए हमने अमृतसर में अमृतसर के सभी 9 लोकसभा विधानसभा हलकों के लिए हमने टीमें अपनी तैयार कर ली हैं, अपने स्पीकर्स तैयार कर लिए हैं। बलहारे हर एक विधानसभा हलके में 5 से 7 लोगों की एक टीम बना के हमने भेज दिए, वो हर एक गाँव में जाएगी और गाँव में हर घर में जाके वो आम आदमी पार्टी के बारे में बताएगी। जो आज तक पंजाब में करप्शन की भेंट चढ़ चुके हैं लोग, उनको पंजाब में बादल सरकार की गलत नीतियों के बारे में उन लोगों को बताएगी। किस तरह से कांग्रेस ने देश को लूटा है वो हमारे स्पीकर्स जाके घर घर में ये भी बताएंगे, और वो स्पीकर्स ये भी बताएंगे कि दिल्ली में हमने 1 साल में किस तरह का अच्छा शासन स्थापित किया है, किस तरह से अच्छा लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो इसके बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे बादल साहब तो सरासर रोज किसान नकली कीटनाशक दवाइयों से मर रहे हैं, तोता सिंह को क्लीन चिट दे दी उसने, इनकी क्लीन चिट तो इनके जेब में रहती है। हम तो खुद मंत्री को बुला के हमने बर्खास्त किया है कि ये आपकी कंप्लेंट आई है और आप जाओ अब सफाई दो, और पुलिस को कंप्लेंट की है इस बात की कि हमारा मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है।